First, let us understand what is mean by project. Project can be defined as an investment activity in which financial resources are expended to create a capital assets that produce the benefits over an extended period of time. मतलब project एक investment activity है जहां हम financial resources मतलब money को use करके हम capital assets को produce करते हैं और जिसका benefit हमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट मिलता है, तो उस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। नाउ प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज वेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स एंड विच लेंड्स इटसेल्फ टू प्लानिंग फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एज अ यूनिट। सो यहाँ पे एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है जिसमें रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं विद द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि फ्यूचर में हमें उससे रिटर्न्स मिलेंगे और उसी हिसाब से प्लानिंग फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंट होता है। सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज इट हैज अ फिक्स्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स व्हेन अ ऑब्जेक्टिव इज फाइनलाइज्ड एंड इट कम्स टू एंड व्हेनेवर दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अटेंड। जब भी हम प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, वो पहले फाइनलाइज करते हैं और वो जब ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं तब हम कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है या एंड हो गया। देन नेक्स्ट इज द टेन्योर। एवरी प्रोजेक्ट इज हैज अ एंड, दैट इज इट हैज द फिक्स्ड लाइफ स्पैन। प्रोजेक्ट इज नेवर कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट हैज एंड, इट विल रीस्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट इज द टीम वर्क। एवरी प्रोजेक्ट नीड्स अ टीम टू अकम्प्लिश वेरियस एक्टिविटीज। एक ही इंसान मिलकर एक प्रोजेक्ट नहीं करता, वहां पे उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है हर एक एक्टिविटीज को कम्प्लीट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक। ऑल प्रोजेक्ट्स आर यूनिक इन देमसेल्फ एंड नो टू प्रोजेक्ट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। दो प्रोजेक्ट्स, कोई भी दो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, कोई ना कोई उनमें डिफरेंस रहता है, कोई एक पॉइंट रहता है जिसकी वजह से वो यूनिक होता है। सो नो प्रोजेक्ट इज सिमिलर। देन लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट। ऑल लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोजेक्ट स्टार्ट स्लोली, दैट इज डेफिनेशन फेज। देन इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इन दिस साइज, दैट इज प्लानिंग फेज, एंड देन इट रीचेस द पीक बिफोर फाइनली गेटिंग टर्मिनेटेड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। फर्स्ट इट स्टार्ट स्लोली, देन वो बिल्ड होता है, बड़ा होता है, it reaches the peak phase, that is implementation phase, and finally it gets terminated. The next characteristic, it is single entity. Projects are responsibility of single person. Single person ek owner hota hai, lekin wo baki participants ki madad leta hai wo project accomplish ya complete karne ke liye. To ek responsibility sole person ya entity ki hoti hai jo aur kai sare participants ki help leta hai. नेक्स्ट मल्टी स्किल्ड स्टाफ। सो सिंगल पर्सन कैनॉट अचीव ऑल द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, सो ही नीड्स द मल्टी स्किल्ड स्टाफ जिसमें वो बहुत सारे मल्टी टास्किंग मल्टी स्किल्स होते हैं स्टाफ में, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स। सो वो सारे चीजें देख के प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टाफ हायर करते हैं। सो प्रोजेक्ट नीड्स अ मल्टी स्किल्ड स्टाफ। देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। Subcontracting is practically unavoidable in project management. A specialized knowledge or workforce is needed for very small duration in the project. Project की lifespan fixed होती है, तो उस fixed project के लिए एक specialized person होना भी जरूरी है, लेकिन वो small duration के लिए अगर हम एक specialized person ले तो वो costly होता है। तो उस वक्त क्या करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या करता है वो small duration के लिए उन्हें contractual basis पे स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करता है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट लास्ट विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रोजेक्ट आर रिस्की एज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट आर नॉन रिटेवेबल। बहुत सारी रिस्क होती है प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज एक बार वो स्टार्ट हो गया तो वो वी कैनॉट रिवर्स इट, वी कैनॉट अवॉइड इट, एंड रिस्क इज अनअवॉइडेबल इन द प्रोजेक्ट। हाउएवर रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय कंसिडरिंग वेरियस फोरकास्टिंग टेक्निक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टूल्स जो होते हैं उससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो देन वी सी द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर और अ वन पर्सन हु वॉन्ट्स टू टेक द प्रोजेक्ट ही हैज टू कीप इन द माइंड। देर आर सेवन मेजर एलिमेंट्स विच ही हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन
before starting the project or while planning or preparation of project. फर्स्ट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो उसे ध्यान में रखने पड़ेंगे. इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, वेदर द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट होगा, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या वो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, तो वो भी देखना पड़ेगा. कमर्शियल, वो उसके मार्केटिंग कहाँ होगी, वो प्रोडक्ट को डिमांड होगा या नहीं. फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो लोन लेना फिजिबल है या नहीं. इकोनॉमिक, वेदर द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल. एंड लास्टली द एनवायरमेंटल, वेदर वी आर हार्मिंग द एनवायरमेंट थ्रू आवर प्रोजेक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन. नेक्स्ट वील सी द प्रोजेक्ट साइकिल. इट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, देन वी फॉर्मुलेट अ प्रोजेक्ट, वी गो फॉर अप्राइजल, then implementation, monitoring, and finally evaluation. And after evaluation, again we'll make certain changes and we'll start the new project with the identification, formulation, and this cycle continues. First stage is the identification. It involves the finding potential fundable projects. हमें projects के बारे में idea find करना, वो कोई fund करेगा कि नहीं ये project को, ऐसे fundable projects ideas को ढूंढना, उस ये आइडेंटिफिकेशन स्टेज में होता है ना. सोर्सेस किससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हु आर द सोर्सेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, दे आर टेक्निकल स्पेशलिस्ट, देन लोकल लीडर्स, प्रपोजल टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही रिन्यू करके रिस्टार्ट करते हैं, देन राइज इन द मार्केट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स, सेपरेट सेक्टर सर्वेज, like current situation in agriculture and so on. These are the sources for new ideas of the project. In case of agriculture and natural resource project, the diagnostic surveys and constraint analysis may result in the identification of priority problem and research themes which may lead to the project development. Agar hum agricultural aur natural resource ki project mein baat karte hain to hum jab survey karte hain ya hum constraint analysis karte hain to usse hame priority problem, matlab kaun sa problem bahut प्रॉब्लम है जिसपे इमीडिएट ध्यान देना पड़ेगा, इमीडिएट रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी, तो उस ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पे सॉल्यूशन करके एक हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं. देन सेकेंड स्टेज इज द फॉर्मुलेशन. नाउ आफ्टर प्रिपरेशन, सॉरी आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, वी फॉर्मुलेट द प्रोजेक्ट. द फॉर्मुलेशन इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इट हैज टू पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. फर्स्ट वन इज द प्री फिजिबिलिटी स्टडी. So based on the qualitative and subjective analysis, we जो भी आइडिया हमने आइडेंटिफाई किए उसके बारे में हमें क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, वेदर ये फिजिबल होगा या नहीं, ये उस एरिया में हम वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, वॉट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज विच वी हैव टू कंसिडर इन दिस प्रोजेक्ट. सो ये सारे हम प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करते हैं. ड्यूरिंग प्री फिजिबिलिटी स्टेज, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आर क्लियरली डिफाइंड. जो भी ऑब्जेक्टिव हो गए प्रोजेक्ट के वो क्लियरली स्टेज में डिफाइन करने पड़ते हैं. नाउ क्वेश्चन ऑफ वेदर देर आर अल्टरनेटिव वेज टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव मे बी प्रिफरेबली शुड बी एक्सप्लिसिटली बी एड्रेस्ड एंड पुअर अल्टरनेटिव शुड बी एक्सक्लूडेड. तो हमने ऑब्जेक्टिव एक बार फिक्स किया तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए क्या कौन से अल्टरनेटिव है और उस अल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा फायदेमंद अल्टरनेटिव कौन सा है वो ढूंढना, इसलिए फॉर्मुलेशन स्टेज में होता है. Now analytical aspects come into play at this stage, but often relying on the existing and secondary sources of data. यहाँ पे हम existing या secondary source of data पे ज़्यादा reliable होते हैं इस stage में. Once the pre-feasibility study is done, detailed planning and analysis will be done. Now pre-feasibility हमने pre-information collect करने के बाद हम project की planning और analysis start करते हैं. Now with large project may be prepared by the special team to include experts from the analytical areas considered crucial. जब projects बहुत बड़े होते हैं तब हम क्या करते हैं, special team जो experts किए हुए वो project को prepare करने के लिए help करते हैं. Now these steps involve lot of brainstorming and subjective judgment. यहाँ पे बहुत सारे brainstorming होते हैं कि नए नए ideas वो objective attain करने के लिए कौन से आइडियाज हम यूज कर सकते हैं, जजमेंट देना पड़ता है, तो बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग और सब्जेक्टिव जजमेंट होते हैं इस स्टेज में. सो वी कॉल्ड इट एज स्क्रीनिंग. जो भी अल्टरनेटिव स्क्रीनिंग इज एक्सरसाइज है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स लिस्ट किए जाते हैं और उसमें से जो भी अच्छे है या स्ट्रॉन्गेस्ट है
इकोनॉमिकली फिजिबल है, वो साइड में स्क्रीन करते हैं, हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। सो प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, वी हैव स्क्रीनिंग। देन थर्ड फेज इज अप्रेजल। नाउ वंस वी प्रिपेयर द डिटेल रिपोर्ट अबाउट द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का अप्रेजल होता है, मतलब वो एनालिसिस होता है वेदर इट इज इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियल फिजिबल। आफ्टर द रिपोर्ट ऑन डिटेल एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट प्रोजेक्ट मॉड्यूल इज कंप्लीटेड, अ क्रिटिकल रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ दिस एस्पेक्ट्स आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट टीम। और एक इंडिपेंडेंट टीम जो होती है वो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी करते हैं वेदर इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, क्या उतने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट से, कितना इन्वेस्ट किया तो कितना पैसा आता है, वेदर वॉट एवर दे हैव कोटेड वेदर इट कैन बी अचीवेबल, वो सारे यहाँ पे स्टडी होते हैं। दिस टीम री एग्जामिन्स एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग फिजिबिलिटी, साउंडनेस, अप्रोप्रिएटनेस। नाउ द टीम मे बी रिकमेंड फर्दर प्रिपरेशन वर्क इफ सम डाटा इज क्वेश्चनेबल और अजम्पशंस आर फॉल्टी। अगर उस टीम को लगा कि यहाँ पे फिर से काम करने की जरूरत है या कोई कमियां है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो वो उन्हें रीवर्क करने के लिए कहते हैं, और अगर सब कुछ ठीक है तो वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो भी अब तक जो था वो पेपर वर्क था, सब कुछ पेपर पे था, अब रियलिटी में वो सारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो भी पेपर में लिखा था वो रियल में एग्जीक्यूट किया जाता है। सो इम्प्लीमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल एंड देयरफॉर रिक्वायर्स इक्वली रिगरस एनालिसिस एंड प्लानिंग इन ऑर्डर टू डेवलप अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जो भी अब तक पेपर में था वो अब रियलिटी में उतरता है और वहां पे कंटिन्यूअस प्लानिंग और एनालिसिस। कई बार क्या होता है जो पेपर में है वो ही एक्चुअल में नहीं होता, तो अगर कहाँ पे तो कोई चेंजेस हो रहे हैं, एक्चुअल हमने जो सोचा था और एक्चुअल में जो हो रहा है उसमें अगर चेंजेस हो तो इमीडिएट प्लानिंग और एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज यूजुअली सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट पीरियड। इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स यूजुअली 2 to 5 years फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच मेजर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आर मेड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डैम एंड कैनल सिस्टम प्रोजेक्ट इज देयर, देन 2 to 5 years जो होते हैं वो वहां पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पहले होती है वहां पे, और उसके जो रिजल्ट्स है वो दो से ज्यादा साल के बाद हमें रिटर्न्स मिलने लगते हैं। तो मेजर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो आफ्टर द इन्वेस्टमेंट पीरियड। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट पीरियड। आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट, वो प्रोजेक्ट डेवलप होता है धीरे धीरे, उस वो डेवलप होकर हमें रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं, तो उसे हम मॉनिटरिंग करते हैं। एज पर द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट एंड एडजस्टमेंट आर मेड एज पर रिक्वायर्ड, कीपिंग सो दैट प्रोजेक्ट इज ऑन केप्ट ऑन ट्रैक। देन आफ्टर द कंप्लीशन और मैच्योरिटी ऑफ प्रोजेक्ट, एज लॉन्ग एज इट मे टेक प्रोजेक्ट मे बी फॉर 25 to 30 years और इट मे एंड इन 5 to 6 years। सो आफ्टर द कंप्लीशन whichever the benefit and cost will continue to acquire and impacts are more than apparent and measurable। यहाँ पे हम benefits, cost, impacts क्या है project के बारे में वो सारे हम बाद में calculate करते हैं। The next is the evaluation or impact assessment। Evaluation involves measuring the elements of success and failure of the project। एक बार project start हो गया तो उसके success कितना है, failure कितना है, वो measure करना, उसे हम evaluation कहते हैं। इवेल्युएशन स्टार्ट फ्रॉम ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के साइड बाई साइड इवेल्युएशन भी होता है और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट भी इवेल्युएशन होता है। आफ्टर कम्प्लीशन को हम एक्स पोस्ट कहते हैं, ऑन गोइंग को एक्स एंटे कहते हैं। इवेल्युएशन इज यूजली डन बाई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन टीम। इवेल्युएशन लुक्स एट द एक्सटेंट टू विच ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन आर मेड। जो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्टिव सेट किए थे स्टार्टिंग में वो उसके आधारित पे इवेल्युएट किया जाता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए गए, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, वो सारे यहाँ पे इवेल्युएट किए। इन अदर वर्ड्स वी से टेक्निकल अप्रोप्रिएटनेस, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कमर्शियल अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, साउंडनेस, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूशनल इश्यूज, सो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे इवेल्युएट किए जाते हैं। Impact assessment goes beyond the direct evaluation to look at the results of the project।
both intended and unintended, and the differences, that is positive and negative, on the position of society that has been affected. इम्पैक्ट असेसमेंट है जो वो इवेल्युएशन के बियॉन्ड होता है. इवेल्युएशन सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव अटेंड किए हैं या नहीं वो देखते हैं. इम्पैक्ट में क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो भी, और जो ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान में नहीं थे, जो रिजल्ट हमें ध्यान में नहीं था कि इस प्रोजेक्ट से ये इम्पैक्ट पड़ेगा या ये असर होगा सोसाइटी पे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे स्टडी की जाती है. क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे या नेगेटिव इम्पैक्ट, और उसके बारे में यहाँ पे बताया जाए. इवैल्यूएशन स्टेज इज यूजुअली यूज्ड एज लेसन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट में. अगर हम फ्यूचर में और ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट हमें लेसन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस देता है. इवैल्यूएशन स्टेज से हमें क्या मिलता है, लेसन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. द नेक्स्ट वील सी द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजेटिंग. इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज द इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल assets. Analysis of investment is different for these categories of investment owing to the difference in timing of expenses and their associated returns. Now operating investment मतलब क्या होता है कि daily activities के लिए जो हम invest करते हैं तो उसे हम operating cost या operating investment कहते हैं, और जो fixed assets है, long term assets है, उनपे जो invest कहते हैं उनमें हम investment on capital assets कहते हैं. Now फॉर दिस बोथ कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड भी डिफरेंट है और उनके एसोसिएटेड जो रिटर्न है वो भी अलग होते हैं, तो इसकी वजह से एनालिसिस भी अलग होता है. इन केस ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंसिस एंड रिटर्न फॉल विद इन द प्रोडक्शन साइकिल और अ ईयर. ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल सीड, उससे जो रिटर्न हो गए तो उसी सीजन में यील्ड जो आएगा उसी सीजन में आएगा, उसी प्रोडक्शन ईयर में आ जाएगा. तो इसलिए क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर है रिटर्न्स है उसी ईयर या उसी प्रोडक्शन साइकिल में मिलता है. लेकिन इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट, अगर हम फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इस साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें थ्रू आउट, इससे 10 ईयर्स लाइफ स्पैन है उस असेट के, तो थ्रू आउट 10 ईयर्स उसके रिटर्न हमें मिलते हैं. तो रिटर्न आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो For this reason, the investment analysis is different for the two categories of investment. Now, time element is not brought into consideration in analyzing the profitability of operating inputs, because both expenses and returns are assumed to fall in the same production cycle. But investment in agriculture projects are made in different time periods, and returns are also spread over time. In order to assess the returns from investment, available alternatives must be weighed off for different length of time in respect of cost and returns, that is recognition of time value of money. Agriculture projects में क्या होता है कि अभी investment किया तो उसके returns throughout the period of time में spread होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, different alternatives जो project होते हैं उसमें से cost and returns and time length to between investment and return वो कंसीडर करके वहां पे वेमेंट की जाती है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है कौन सा प्रोजेक्ट कम प्रॉफिटेबल है. ऐसे हम डिपेंडिंग अपॉन द टाइम लेंथ कॉस्ट एंड रिटर्न्स हम डिस्कस करते हैं डिसाइड करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रोजेक्ट्स आर रैंक्ड. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी हैव टू कंसेप्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी. सो फर्स्ट लेट अस सी फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी. A rupee today is worth more than a rupee in future. आज का एक रुपए जो है वो कल के एक रुपए से ज्यादा होगा. So the value of today's 1 rupee is more than the rupee in the future. This is primarily due to its opportunity cost. That is ये interest की वजह से ये difference होता है. Today's money 1 rupee is not equal to the tomorrow's 1 rupee. Now interest will be added to the principal over a time, and hence the value of money increases. Now future value of present sum is an important concept in financial analysis, and it is called as compounding. जब हम future value, आज के पैसे का future value जब हम find out करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, compounding. In compounding process क्या होता है, interest rate is added to the principal at end of each time period, which in turn earns the interest. जो भी principal amount है एक उसमें हम interest rate add करते हैं, और ईच
टाइम पीरियड के एंड के बाद फिर से इंटरेस्ट रेट ऐड करके फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिर से लगाते हैं. सो दिस इज द कंपाउंडिंग प्रोसेस. ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू वन प्लस आई. आई इज यहाँ इंटरेस्ट रेट होल ब्रैकेट रेस टू टी. टी हियर इज द नंबर ऑफ इयर्स. सो सपोज इफ वी टेक 100 rupees, 100 rupees is the amount invested and interest rate is 10. So we consider it as 10% means 0.10 raised to, suppose if we take for 2 years, so it will be 100 into 1.1 square, which is equal to 100 into 11, 1.21. So this will be the future value of present sum. Whatever 100 rupees we have invested today, its value will be increased by, we can say, 121 rupees. So this is the future value of present sum invested. Next we have the concept annuity. Annuity means stream of payments or returns over the time. The future value of annuity can be estimated as A is equal to 1 plus I raised to T divided by I. So this is the future value of annuity. Annuity is a stream of payments. हम हर साल जो payment loan लिया है तो हर साल हम जो loan repay करते हैं तो उसका calculation A इस formula से होता है. Next is the present value of future money. The present value of future sum is the current value of investment to be received in the future at specified date. जो भी फ्यूचर में हम मनी जो पैसा मिलने वाला है उसका करंट वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करते हैं, उसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी कहते हैं. दिस इज वर्कड आउट थ्रू डिस्काउंटिंग. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी उसे हम डिस्काउंटिंग कहते हैं. और पहले जो हमने देखा दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी. फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी हम उसे कंपाउंडिंग कहते हैं. This is present value of future money is discounting, in which future sum is discounted back to the present time to find out the present value. The rationale behind this process is that sum to be received in future is somewhat less now. कल के 100 रुपए जो है वो आज के 100 रुपए से कम हो गए. तो because of the time difference, assuming positive interest rate, discounting is the inverse procedure of compounding. So present value of future money will be equal to P, that is money to be received in the future divided by 1 plus I is the interest rate whole raised to T. So this is the formula to find out the present value of future money. And this discounting concept is used in the capital budgeting. Now investment analysis is also called as capital budgeting. So the profitability of two or more alternative investment project is determined through the capital budgeting technique. अगर हमारे पास investment करने के लिए बहुत सारे alternative options है, project A, project B, project C. So उसमें से ज्यादा profitability कौन सा है वो find out करने के लिए हम क्या जो technique use करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, capital budgeting technique. Now there are components required for this analysis. What are the points we consider? First is the cash revenue from different projects. Then cost of projects, terminal or slavage value of the investment, and interest or the discount rate to be used. So these are the factors that have to be considered while capital budgeting. Then there are two methods for project appraisal or capital budgeting. That is undiscounted measures and discounted measures. This undiscounted measures mein kya aata hai? Payback period, ranking by inspection, proceeds per rupee of outlay, and average annual proceeds of rupee outlay. And under discounted measures we have net present worth, or we say it NPW, benefit cost ratio, that is BC ratio, internal rate of return, that is IRR, and profitability index PI. So these are the discounted measures. We'll see in details one by one. First is the undiscounted measure. Undiscounted measures hum kyu kehte hain? Yahan pe time value of money ko hum consider nahi kehte. Hum jo bhi future returns hai usse hum discount nahi karte, isliye usse hum अनडिस्काउंटेड मेजर्स कहते हैं. जिसमें पहला आता है रैंकिंग बाय इंस्पेक्शन. यहाँ पे क्या होता है, सिंपली बाय लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट, जो भी कैश फ्लो है इन्वेस्टमेंट्स
कॉस्ट एंड रिटर्न्स कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे देखने के बाद सिंपली बाय लुकिंग विल डिसाइड विच प्रोजेक्ट इज बेटर एंड विच प्रोजेक्ट इज नॉट बेनिफिशियल. सो वी कैन जस्ट बाय लुकिंग द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड शेप ऑफ द स्ट्रीम ऑफ नेट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन दैट वन प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड ओवर द अदर इफ वी मस्ट चूज. सो बेस्ड ऑन जस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रैंकिंग किए जाते हैं और उसके आधारित पे विच इज बेटर विल सिंपली चूज. ना एनालिस्ट कैन समटाइम्स सिंपली चूज वन प्रोजेक्ट अमॉन्ग द अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट बाय एग्जामिनिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट स्ट्रक्चर एंड टोटल अमाउंट दैट इज नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन जस्ट ऑब्जर्वेशन दे विल रैंक एंड विच एवर इज सुपीरियर दैट प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड. सेकेंड इज द पे बैक पीरियड. Now, payback period is the length of time from beginning of the project until the sum of incremental benefits of the project equal to the capital investment. मतलब payback period मतलब initial investment अगर हमने 1000 रुपए किए हैं तो वो 1000 रुपए recover करने के लिए कितना time लगेगा तो उस time को हम क्या कहते हैं payback period. Now, it's the length of time that project requires to recover the investment cost. The method is very simple. Moreover, it is very easy to calculate. Now it is very common rough means of choosing among the projects, especially when choice enters high degree of risk. Since risk generally increases with futurity, the criterion seems to favor the projects that are less risky and are based on the payback period. Now this method has two weaknesses. Well, first, it fails to consider time value of money. यहाँ पे consider नहीं किया जाता and amount of net benefits after payback period. अगर हम सपोज 2 ईयर में हमें ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल रहे तो 2 ईयर के बाद बेनिफिट्स कितने मिल रहे वो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता. एंड सेकेंड इज इट डज नॉट एडिक्वेटली टेक इन टू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इवन द इन द पेएबल पीरियड्स. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ पे बैक पीरियड. थर्ड वी हैव द प्रोसीड्स पर आउटले. नाउ इन्वेस्टमेंट आर रैंक्ड बाय द प्रोसीड दैट इज क्यूमुलेटिव नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स पर यूनिट ऑफ आउटले और पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. Now it is the total net value of incremental net benefits divided by the total amount of investment. जो भी benefits हमारे आने वाले उसे हम क्या कहते हैं divided by the total amount of investment कहते हैं. That is the proceed per unit of outlay. Now average annual proceeds per unit of outlay मतलब first we calculate the net incremental benefits, then it will be divided by the time it is time required to arrive at that annual average. Incremental benefit and then this average value is divided by the total investment cost. So it is proceed per unit of outlay is again divided by the initial cost. That is the average annual proceeds per unit of outlay. Next we'll see the discounted measures. Discounted measures में क्या होता है? हम projected future cash flow जो है उसे हम discount करते हैं. मतलब we can take into consideration the time value of money. Now, second feature is this, these methods is that they take into account the all benefits and cost accrued in the lifetime of the project. This, जो भी project है उसमें, उस project के दौरान जो भी benefits, returns and cost है, वो सारे यहाँ पे consider होते. So, first यहाँ पे net present worth or NPW or it is also called as net present value, NPV. In this method, present value of cash flow is calculated for which cash flows are discounted. Future जो cash flows होते हैं उसे हम discount करके उसके present value क्या है वो find out करते हैं और उसका summation लेते and will minus the initial investment from that. That is the net present worth. So net present worth is the difference between the present value of cash inflows and present value of cash outflows. Formula is NPV or NPW is equal to cash flow in first year divided by 1 plus k raised to 1. K is here the interest rate. Likewise, up to cost cash flow in nth year divided by 1 plus k raised to n. And after that, we minus the initial cost. So we can take that this part. We can take it as summation of CFN 1 plus k raised to n is equal minus C. So this is the net present worth or NPV. If the project has salvage value, that is also should be added in the cash inflows of the last year. Salvage value मतलब project खत्म होने के बाद जो भी asset रहते हैं उनके junk value रहती है तो उसका भी ये consider करना last year में cash inflow में उसे consider करना चाहिए.
If some working capital is also needed, it should be added in the initial cost of project. So and to the cash flows of the last year. जो भी वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद बीच में हमें अगर कोई वर्किंग कैपिटल लग रहा है तो वो भी यहाँ पे ऐड करना चाहिए. नाउ इफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर देन जीरो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड एंड इफ एनपीवी इज लेस देन जीरो इट इज रिजेक्टेड. नाउ एनपीडब्ल्यू और इफ वी से एनपीवी व्हेन इट इज ग्रेटर देन जीरो वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड व्हेन इट इज लेस देन जीरो नेगेटिव वे रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. नाउ सपोज इफ देर आर टू प्रोजेक्ट्स whose NPV is positive. For both, we have got the positive NPV. So, whichever has the highest, suppose now NPV for A is 5 and for B is 7. So, B project, whichever has highest NPV, that project should be accepted over the other project. Next, we have the benefit cost ratio. Here, we compare the worth of cost with present worth of benefit. Yahan pe benefits ko hum कॉस्ट से डिवाइड करते हैं. सो डिस्काउंटेड बेनिफिट्स आर डिवाइडेड बाय द डिस्काउंटेड कॉस्ट. व्हाइल रैंकिंग द प्रोजेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द बीसी रेशियो द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इज सिलेक्टिंग दैट प्रोजेक्ट हुज बीसी रेशियो इज मोर देन वन व्हेन डिस्काउंटेड एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैपिटल. मतलब बीसी उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं जिसके बीसी रेशियो ग्रेटर देन वन है. और अगर प्रोजेक्ट्स ए और बी दोनों का ग्रेटर देन वन है तो जिसका ज्यादा है. सपोज प्रोजेक्ट ए का 1.8 है प्रोजेक्ट बी का 1.3 है तो प्रोजेक्ट ए विल बी सिलेक्टेड ओवर प्रोजेक्ट बी. सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीसी रेशियो इज डिस्काउंटेड बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कॉस्ट. सो यू कैन एलैबोरेट इट इज समेशन ऑफ बीटी दैट इज बेनिफिट्स इन टीथ ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन divided by discounted cost that is CT summation of CT divided by 1 plus R raised to N. This is the benefit cost ratio. Next we have the internal rate of return. Here in internal rate of return here also as it is the discounted measure we take into consideration the time value of money. Now the method of working IRR provides knowledge of actual rate of return from different projects. जो भी projects के actual rate of returns क्या है उससे हम यहाँ पे पता चलता है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल और यील्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल. नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज इज जस्ट इक्वल टू जीरो दैट इज नथिंग बट एनपीवी और एनपीडब्ल्यू. एनपीवी और एनपीडब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. The discount rate at which NPV or NPW is equal to zero, that in discount rate is called as internal rate of return. So IRR must be found out by trial and error method. यहाँ पे fixed formula नहीं है, यहाँ पे trial and error method with some approximation use किया जाता है. So trial and error method कैसे calculate किया? Different for different discount rate, NPV is calculated till we get the negative NPV and then we use the formula internal rate of return is equal to lower discount rate that is LDR plus difference between the LDR and LDR that is lower discount rate and higher discount rate difference between this into present worth of cash flow at lower discount rate that is NPV at lower discount rate divided by absolute difference between the present worth of cash flow. Absolute difference मतलब क्या कहते हैं? NPV at higher discount rate minus of minus the because NPV at NPV at the lower discount rate is positive and higher discount rate it is negative. So NPV at higher discount rate will be always negative. So absolute difference is nothing but the addition of these two minus into minus it becomes plus. So it is the summation of NPV at HDR and NPV at LDR. So this is the formula to find out IRR. Next we have the profitability index. Here we relate NPV that is net worth net present value of cash flows of the project to total capital required for the project through profitability index. Now it is defined as ratio of net present value of cash flow to initial capital expenditure. So it is given as profitability index is equal to NPV divided by CO. CO is nothing but the initial capital expenditure or we can say 1 by CO that is 1 by CO we take side into NPV ka formula kya hai summation I is equal to 0 to N divided by CR that is cash flows
1 plus I raised to n. This is the formula of NPV. So NPV into 1 by CO. CO, that is the initial capital expenditure. So this gives the profitability index. Higher the profitability, higher the beneficial beneficiary